का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज के इस वीडियो में करेंगे प्रश्न संख्या 15। इसमें हमें दिया गया इन एन एन क्वाड्रेटल ट्रायंगल एबीसी, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू 1/3 BC, प्रूव दैट 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB². तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये ट्रायंगल हमारा दिया गया है एबीसी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इसकी सभी साइड इक्वल होंगे। तो लेट हम यहाँ साइड कर लेते हैं कि AB जो है वो इक्वल होगा BC के, इज इक्वल टू होगा CA इज इक्वल टू X। तो हमने यहाँ पे सारी साइड इसकी X लेट कर ली है। उसने बताया कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC है, और ये जो BD पॉइंट D पॉइंट है ये साइड BC पर है, ये साइड हमारी BCA है, तो इस पर हम कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं यहाँ पे D, यहाँ से A को D से ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा D पॉइंट हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि 9 AD² का 9 AD² इक्वल टू हमारा 7 AB² होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे A से BC पर, ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, और इस लाइन का कोई नाम देंगे, हमने इस लाइन का नाम दे दिया है E। अब ये कंप्लीट लाइन जो है X है। जब हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक वर्टीज से अपोजिट साइड पे, तब वह अपोजिट साइड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। ये अगर हमने टोटल साइड को X सेलेक्ट किया है तो ये जो EC वाला पार्ट हो जाएगा ये हमारा X/2 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा जो BE है ये वाला पार्ट भी हमारा BE पार्ट, ये भी X/2 हो जाएगा। हमसे कहा गया है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल टू 1/3 BC, और ये सभी साइड जो है एक्स के इक्वल टू हैं, तो BD इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा X/3। ये हमारी BD की वैल्यू आ गई है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है हमारा ये X/3 पार्ट है। अब हम DE निकालेंगे यहाँ से, DE साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए DE जो DE साइड है आपकी, ये DE साइड है इतना पार्ट, ये DE है, तो यहाँ से अगर आप DE निकालोगे तो DE कब आएगा, जब आप BE में से BD को माइनस कर दोगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा DE इज इक्वल टू BD, सॉरी DE इज इक्वल टू BE माइनस BD, ये हमारा BE पार्ट है। इसमें से अगर हम BD को माइनस कर देंगे तब हमारा DE बचेगा, तो DE इज इक्वल टू BE हमारा हाफ है X/2, तो ये वाला पार्ट हमारा X/2 हो गया, और BD हमारा X/3। LCM लेंगे हम 2, 3 का LCM हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 3 जा 6 3x, और यहाँ पे 3, 2 जा 6 ये 2x, 3 - 2 इज इक्वल टू X/6, तो ये हमारा DE पार्ट जो है X/6 हो जाएगा। सिमिलरली अब हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर साइड ड्रॉ करी है, तो ये हमारा AEC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC में 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी AC है, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हुई, ये साइड हमारी परपेंडिकुलर, ये बेस, सॉरी ये वाली 90 डिग्री के सामने ये हाइपरटेनियस हुई, ये बेस और ये वाली साइड परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं AE की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, AE जो हमारे परपेंडिकुलर होता है वो हाइपरटेनियस का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर और माइनस बेस के स्क्वायर के इक्वल टू होता है, बेस का स्क्वायर हमारा X/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे X² ये हमारा X^2/4 अंडर रूट, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 4×1=4X² - X², ये आपका हो जाएगा 3X² / 4। ये वैल्यू हमारी 3X/4 जो है ये साइड आ गई है, ये वाली साइड हमारी 3X/4 है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये √3X/2 हो जाएगी, तो ये साइड हमारी √3X/2 हो जाएगी। अब हमारे पास ये साइड भी आ गई है, ये भी और ये भी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE, देखो AD जो है हमारा 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये हाइपरटेनियस हो गया, सो आई कैन राइट AD² इज इक्वल टू AE² + DE² AE की वैल्यू हमारी है, यहाँ पे हमने फाइंड किया √3 × √3 × X/2 का होल स्क्वायर प्लस DE² DE हमारा कितना है, यहाँ पे DE हमने फाइंड किया है X/6 का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा
थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा और प्लस इसको हम सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 36 हो जाएगा। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 और 36 का, जो कि 36 हो जाएगा। 4 9 36 9 3 27 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 36, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारा 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और 128 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे 36 और 28, 4 9 36 और 4 7 28, ये हमारा 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 9 ए डी स्क्वायर, और ये जो x वैल्यू है ये तो सब साइड इक्वल ही है, तो ये x के प्लेस पर मैं ab रख सकता हूँ। तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।